So very good morning. It's good afternoon rather, huh? Good afternoon all. Today we are going to start this chapter, lesson 3, weather and climate. Yesterday I had introduced this chapter, but today we are to do it thoroughly. We are to read it carefully, and meanwhile I will ask from you, if any doubt is there, you can ask me. Okay, in between you will not disturb, I will give you time. So let me, Angel, start reading. Unmute yourself, bache. If there is a forecast of rain or thunder shower and you have to go out, what preparation would you make? Thus, weather is the condition of atmosphere at a particular place on a particular day or time. The condition of air, temperature, wind, humidity and rainfall at a particular time determines the weather of that place. The climate is the sum of total weather at a place over a very long period of time. The weather of a place may keep changing, but the climate of a place remains more or less the same for years and years. Weather data collected overall several decades are used to make climate graphs. Great. Okay. First of all, you are to start it from the beginning. Yesterday we had a very little introduction, huh? So some students could not find from where to read. So those students who could not find, I am going to tell you, bache, what is weather? वेदर जो है एक टेम्परेरी फिनोमिना होता है जो कि डेली चेंज होता रहता है. और डेली का ये भी मतलब नहीं है, हो सकता है कि ये 1 आवर के बाद ही चेंज हो जाए. इट कैन चेंज आफ्टर 1 आवर इन द मॉर्निंग इफ इट इज क्लाउडी. इट कैन हैपन दैट इन द इवनिंग और एट नून सन कैन कम and a lot of heat can be there. बहुत सारी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है. और it changes even after hours. And when we come to know, when we know about the weather, it becomes easy for us to make the changes, make our plannings accordingly. According to the weather, कि weather कैसा है, हम उसी तरह से अपनी planning कर सकते हैं. We can keep umbrellas or wear a different type of clothes according to the weather. Clear? So weather जो है वो एक condition होती है atmosphere की. किसी भी place का weather different होगा दूसरे place से. If you are sitting in Fagwara, here weather is different as compared to Delhi or Bombay or Chennai. Her place का weather जो है वो different होता है. Clear? और ये depend करता है कि air की condition कैसी है. Air move करेगी तो हवा windy हो जाएगा, है ना. अगर गर्म हवा चलेगी जिसको हम dry winds, hot winds कहते हैं, लू कहते हैं, तो it will become difficult for us to move out. तो अगर रेन होकर के बाद में हवा चलेगी तो वो हमें प्लेजेंट इफेक्ट देगी. तो इस तरह से टाइम पे कैसा वेदर है, कैसी हवाएं चल रही हैं, रेन के बाद चल रही हैं या सनी वेदर में चल रही हैं, तो इस तरह से वेदर जो है वो डिटरमिन होता है किस तरह का वेदर है. लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो वेदर रोज ऑलमोस्ट कैसा रहता है उसके ऊपर बेस्ड होता है. ये कई सालों की स्टडी से हमें पता चलता है कि किसी प्लेस का वेदर कितने सालों से कैसा चल रहा है वही क्लाइमेट बन जाता है. अब अगर हम कहें नॉर्थ इंडिया का वेदर अप्रैल से लेकर के जून जुलाई तक बहुत ज्यादा वार्म रहता है तो ये वहाँ का क्लाइमेट हो जाएगा हॉट क्लाइमेट.
क्लियर। दिसंबर से लेकर के जनवरी तक बहुत ठंडा वेदर होता है, तो ये वहां का क्लाइमेट बन जाएगा कि दिसंबर जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो जब वेदर कंटिन्यूसली ऐसा ही रहता है, उसकी हम एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो वहां का उस प्लेस का क्लाइमेट बन जाता है। ये कई सालों तक होता है और ये परमानेंट होता है। ऐसा नहीं दिसंबर में हम लोग एयर कंडीशन चलाएं गर्मियां लगे, ऐसा नहीं होगा। क्लियर, तो कई सालों तक किसी भी प्लेस का जो वेदर रहता है सेम रहता है, तो वो उस प्लेस का क्लाइमेट बन जाता है। और ये थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट ये मोर और लेस सेम ही रहता है। क्लियर, कितने सालों की ये स्टडीज के बाद हमें ये पता चला। अब वेदर को तो कई चीजें डिटरमिन करती है, रेन आ गई उसके बाद हवाएं चली तो वो वेदर चेंज हो गया, किसी टाइम पे क्लाउड्स आ गए तो वेदर चेंज हो गया, सन आ गया तो दूसरा वेदर हो गया। सेम ही क्लाइमेट को भी कई चीजें अफेक्ट करती हैं, कई फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को भी अफेक्ट करते हैं। अब ये नहीं है कि इक्वेटर के पास वाला एरिया जो है वो गर्म ही रहेगा हर टाइम, कुछ और फैक्टर्स भी उस पे अपना इफेक्ट डालते हैं। तो वो क्या इफेक्ट है, लेट्स रीड। यजत विल यू रीड, अनम्यूट योरसेल्फ यजत। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, इन्फ्लुएंसिंग मींस इफेक्ट, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। सिंस द वर्टिकल रेज कवर अ स्मॉलर एरिया, दे आर मोर कंसेंट्रेटेड, that is why it is hotter at the equator. As we move away from the equator, let me explain it. See, I have one diagram here. Let me explain from this. See, this is our earth. अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। क्लियर, और अर्थ हमारी हमेशा सन की, ये सन है, ठीक है, सन की थोड़ी सी पिक्चर आ रही है, दिस इज सन। तो सन के राउंड पे ये घूमती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है हमारी अर्थ। तो जो सन की रेज है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है। सी, these are the direct rays, बिल्कुल सीधी पड़ती है और सीधी vertical, vertical मतलब बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो जब वो सीधी rays पड़ती हैं तो वो concentrated भी होते हैं, छोटे area पे ज़्यादा sun की heat पड़ती है। तो ऐसे में equator के ऊपर बहुत ज़्यादा sun की rays direct पहुँचती हैं और इस कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं, इक्वेटर के ऊपर जो वाला पार्ट है दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। सो दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे वाला जो पार्ट है दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएं या सदर्न हेमिस्फीयर में जाएं, सन की रेज जो है वो स्लांटिंग होती जाती है, थोड़ी सी पहले सीधी जाती है फिर धीरे धीरे स्लांटिंग होती जाती है। और स्लांटिंग रेज जो है कंपैरेटिवली लेस कंसंट्रेटेड होती है, वो इतनी उस चीज को गर्म नहीं करती है। और ऐसे ही पोल्स पे जाते जाते तो वो बिल्कुल ना के बराबर पहुंचती हैं रेज, तो इसी कारण से वो एरिया जो है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। सो इन दिस वे अगर कोई
एरिया इक्वेटर के पास है, कोई भी कंट्री है या कोई भी रीजन है, अगर वो इक्वेटर के नॉर्थ में है या इक्वेटर के साउथ में है, आप साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का एग्जांपल ले सकते हैं, वो एरिया जो है इक्वेटर पे आता है और इस कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, क्लियर। और इक्वेटर के पास, अभी इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया भी जब हमारा इंडिया का स्टार्ट करते हैं, इंडिया नीचे कन्याकुमारी से जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पर 8 डिग्री लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री है ना, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, क्लियर। ये मैं अनदर डायग्राम इज देयर, यहाँ से डायरेक्ट रेज जब पड़ती है इक्वेटर पे, वो उस एरिया को ज़्यादा गर्म करते हैं, और जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाएं या साउथ में जाएं, रेज जो है सन की वो स्लांटिंग होती जाती है, और जिस कारण से वो एरिया जो है एज कंपेयर टू इक्वेटर कम गर्म रहता है, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर प्लेज एन मेजर रोल फॉर कीपिंग द एरिया हॉट, क्लियर। तो जो भी एरिया या कंट्री इक्वेटर से पास होगी वो गर्म होगी, इक्वेटर से दूर चली जाएगी, जैसे कैनेडा है ना, इट इज फार अवे फ्रॉम इक्वेटर, तो वो एरिया ठंडा होगा, क्लियर। सो नेक्स्ट यजत, रीड इट बेटे, यजत सैकल, आर यू हियर? यजत बेटे, read it. As we move away from the equator towards the poles, the rays of the sun become slanting and spread over a larger area. This means that the heat is less concentrated, so it is cooler. The polar regions being farthest from the equator experience extremely cold climate. Yes. Let me explain it from the board also. For this, I have to stop sharing the screen. Later on, I will again share it. Just a minute. So let me tell you. Suppose I am going to take example of India. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है. Equator के ऊपर सन की रेज ज्यादा पड़ रही है, so it is hot. Now I am going to take example of India. See, this is the southern part. This is the southern part of India. Here, यहाँ पर श्रीलंका है. This area, जो India का this area है, ये 8 degree latitude पे. Here, और 0 degree. नीचे 0 degree होएगा. तो ये equator के पास है. इस कारण से यहाँ पर एक एरिया है, साउथ में आप कहते हो ना गर्मी पड़ती है, साउथ में ज्यादा गर्मी पड़ती है, चेन्नई साउथ में ही है ना, तो चेन्नई जो है वो साउथ में है, और जितने भी यहाँ के एरियाज हैं तमिलनाडु या फिर केरला, तो ये एरियाज अगर हम इक्वेटर के हिसाब से देखें, इक्वेटर के बिल्कुल पास में है, जिस कारण से यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो सन की रेस स्लंटिंग होती है, बट साथ में इसकी और भी फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से कितना डिस्टेंस है, क्लियर। पहले हम डिस्टेंस फ्रॉम द सी पढ़ लें, अदरवाइज ऑल्टीट्यूड और एलिवेशन है।
चलो पहले ऑल्टीट्यूड और एलिवेशन पढ़ते हैं, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन कि सी के पास होने के कारण ये एरिया गर्म होना चाहिए था, लेकिन सी के पास होने के कारण यहाँ पर वेदर और डिफरेंट हो जाता है, सी के साथ डिस्टेंस भी अफेक्ट करता है। ये हम थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं ऑल्टीट्यूड और एलिवेशन। Can anyone tell, write in the chat box, what do you mean by altitude or elevation? Altitude या elevation क्या होता है? Meanwhile, I am sharing the screen. ये meaning क्या होता है? Yes, altitude क्या होता है? किसी भी प्लेस का altitude, यानी कि हाइट, सिंपल लैंग्वेज में हाइट। और हाइट हम कहां से मापते हैं? सी लेवल से। जब भी किसी भी प्लेस का हाइट मापनी होती है ना, तो हम सी लेवल से मापते हैं, सी लेवल को जीरो मानते हैं, उसके बाद 1 feet 2 feet ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एरिया जो है सी लेवल से कितनी दूर है वो उसको कहते हैं ऑल्टीट्यूड। हम एलिवेशन भी, यानी कि ऊंचाई, कितनी हाइट पे, ये देखो, अब यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर डायग्राम इज देयर। See this place, ये sea level है, तो जो sea level से ये जो land surface है ये hot है। जैसे जैसे higher altitude पे जाते हैं, higher altitude यानी कि ये mountains में हम गर्मियों में hill stations क्यों जाते हैं? वो क्योंकि वो elevated होते हैं, वो higher altitude पे होते हैं, और higher altitude जो होते हैं वो cool होते हैं as compared to the प्लेन एरिया। तो इस तरह से हायर ऑल्टीट्यूड पे वेदर जो है वो कूल होता है। और ये देखो, यहाँ पर लैंड पे हॉट है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं हिल्स के ऊपर, या दिस पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स द हिल्स, जैसे जैसे हिल्स के ऊपर जाते जाते हैं तो क्लाइमेट जो है वो कूल होता जाता है। सो नाउ रीड ऑल्टीट्यूड और एलिवेशन, इसको हम आम लैंग्वेज में क्या कहेंगे? हाइट, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। क्लियर? सी लेवल से कितनी हाइट पे कोई प्लेस है। क्लियर? सो नाउ हु विल रीड? Raise your hands. Raise your hands, between. Avni Dhingra, unmute yourself, bache. अग्नि धीमरा, यस, रीड इट बच्चे। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द सी हैज अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। स्पीक लाउडली बच्चे। द सी हैज अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द रीजन क्लोज टू इट कंपेयर्ड टू लैंड। वाटर टेक्स लॉन्गर टू हीट एंड कूल, थस ओशंस हीट अप and cool down slower than the land around them. Cool sea breeze. Not audible. Avni, apna mic bete apne thoda sa upar karke bolo. Okay ma'am. The sea has a moderating influence on the region close to it.
बच्चे कंपेयर टू लैंड वॉटर टेक्स लॉन्गर टू हीट एंड कूल. बेटे रीड ऑल्टीट्यूड और एलिवेशन वंस अगेन. इट वॉज नॉट क्लियर. Altitude of a place greatly influences the climate. Places at higher altitude have colder climates than places at lower altitudes. Temperature generally decreases at 1 degree Celsius for every 100 meters in altitude. Ooty is a cool even in summers because of its height. Two, it lies near the equator. The peaks of Himalayas are covered with snow even in summers. Now see, altitude भी बहुत affect करता है किसी भी place का climate determine करने के लिए. जैसे जैसे हम 100 meters ऊपर जाते जाते हैं, means sea level से जैसे जैसे हम हमारा हाइट में जाते जाते हैं तो टेम्परेचर 1 degree का फर्क पड़ जाता है. क्लियर? जैसे सपोज हेयर लेट मी यहाँ पर सपोज 30 degree टेम्परेचर है, 100 मीटर ऊपर जाएगा तो 31 हो जाएगा. ऐसे ऐसे टेम्परेचर जो है वो रेज करता जाता है. तो इस तरह से सॉरी टेम्परेचर जो है वो 1 degree का फर्क आता रहता है. लेकिन कुछ प्लेसेस जो है ऊटी जैसे, ऊटी इक्वेटर के बिल्कुल पास है. इक्वेटर के पास होने के कारण वहां पे गर्मी होनी चाहिए, लेकिन वो क्योंकि हाई लेवल पे है उसकी जो दैट लैंड इज ऊटी इज एलिवेटेड. ऊटी का जो सी लेवल से हाइट ज्यादा है इस कारण से ऊटी जो है वहां पर टेम्परेचर लो रहता है. दैट प्लेस इज कूलर. ठीक है, वो कूल रहता है. यहाँ हेयर इट इज रिटन ऊटी इज कूल इवन इन समर्स बिकॉज ऑफ इट्स हाइट दो इट इज नियर टू द इक्वेटर. चाहे वो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास होने के कारण तो वो गर्म होना चाहिए था क्योंकि अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है. लक्षिता स्टॉप ईटिंग. सो ऊटी जो है चाहे वो इक्वेटर के पास है बट वो एलिवेटेड भी है, उसका सी लेवल से हाइट ज्यादा है. इस कारण से ऊटी जो है हिल स्टेशन है, ऊटी हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है जिस कारण से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहता है. तो दूसरा फैक्टर हो गया, एक फैक्टर क्या था इक्वेटर से डिस्टेंस, दूसरा फैक्टर क्या हो गया एलिवेशन या ऑल्टीट्यूड. और भी फैक्टर है, थर्ड फैक्टर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी. सी से भी डिस्टेंस जो है वो अफेक्ट डालता है. क्लियर? चले भूमिका सचदेवा विल यू रीड इट, अनम्यूट योरसेल्फ. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द सी हैज अ मॉडरिंग इन्फ्लुएंस ऑन द रीजन क्लोज टू इट. कंपेयर टू लैंड वॉटर टेक्स लॉन्गर टू हीट एंड कूल. Thus, oceans heat up and cool down slower than the land around them. Cool sea breeze keeps the coastal areas cooler in summers and warmer in winters than places far away from the sea. A place near the sea will have a moderate climate, while a place on the same latitude and altitude may have an extreme climate if it lies far away from the sea. The coastal areas of India experience less contrast in
a contrast in temperature, while in North India, the difference in the summers and winter temperature is very high. That is why Chennai is neither very hot in summer nor very cold in winters. Okay, now let me explain. Distance from the sea. ये एक अलग फैक्टर है कि सी से, सी होता है वाटर बॉडीज, है ना, पता है ना, समुद्र है ना, तो वाटर बॉडी सी जो है बहुत बिग वाटर बॉडी है. अगर किसी एरिया के पास सी है तो वहां पर टेम्परेचर जो है, वहां का क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट क्लाइमेट.